जिज्ञासु मित्रों, आज हम जिस चर्चा को लेकर आपके समक्ष आए हैं, कुछ ऐसे विषय लोगों ने पूछे बहुत चर्चाएं भी होती हैं इस विषय पर और बहुत लोगों के अलग अलग विचार हैं। कुछ लोगों ने प्रश्न भी किए कि ईश्वर क्या है, साकार है निराकार है, साकार की उपासना उचित है कि निराकार की उपासना उचित है, ईश्वर को निराकार मान के चला जाए या साकार की पूजा की जाए। तो बहुत तरह की बातें हैं, बहुत तरह के ऐसे प्रश्न हैं लोगों के, पूछे गए, इसलिए आपको ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। व्यक्तिगत रूप से मुझसे भी पूछे गए कि आप इस विषय में क्या मानते हैं, और भी कई प्रश्न हैं जिनको अवश्य उन विषयों पर चर्चा होगी। लेकिन आज हम जिस विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं वह है ईश्वर साकार है या निराकार। आज हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि साकार क्या होता है, निराकार क्या होता है, इसे कैसे समझा जाए, क्या कहा जाए। यद्यपि बहुत सारे लोग, बहुत तरह के विचार उनके मन में हैं, कुछ निराकार को ही सब कुछ मानते हैं, निराकार को ही भगवान कहते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं, साकार सगुण ही भगवान है। कई महापुरुषों ने इसके विषय में बहुत तरह की बातें की हैं, बहुत तरह की बातें कही हैं। एक छोटी सी घटना कहीं पढ़ी थी मैंने पुस्तक के अंदर, रामकृष्ण परमहंस के समय की, कि उनके पास कुछ लोग जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ठाकुर आप हमें बताएं कि ईश्वर साकार है या निराकार है, ईश्वर क्या है। उन लोगों के बीच में आपसी द्वंद्व चल रहा था कि ईश्वर साकार है कि निराकार है, बहस चल रही थी, तर्क चल रहा था। साकार को पूछने वाला साकार के पक्ष में तर्क देता, जो ईश्वर को निराकार मानता वो निराकार के पक्ष में तर्क देता। जब रामकृष्ण परमहंस से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ईश्वर दोनों ही है, साकार भी है और निराकार भी है। इस तरह से उन्होंने उत्तर दिया। अब उत्तर मिल गया, उन्होंने कहा कि चलो साकार भी है निराकार भी है, चले गए। लेकिन मन जो था अभी भी संशय में था, अभी भी प्रश्न का उत्तर सही से मिला नहीं, अभी भी बात समझ में नहीं आई कि जो साकार है वो निराकार कैसे हो सकता है और जो निराकार है वो साकार कैसे हो सकता है, ईश्वर दोनों ही कैसे हो सकता है। बड़े बात समझ में उनको नहीं आई। कुछ दिन बीते और कुछ दिन बीतने के बाद दोबारा ठाकुर के पास पहुंचे और ठाकुर के पास पहुंचकर ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से उन्होंने पूछा कि महाराज आपकी बात हमें समझ में नहीं आई कि आपने कहा कि ईश्वर साकार भी है, ईश्वर निराकार भी है, तो दोनों कैसे हो सकता है, वो दोनों कैसे हो सकता है, एक ही समय पर वो निराकार और साकार दोनों किस प्रकार से हो सकता है। जब ये प्रश्न पूछा रामकृष्ण परमहंस से तो ठाकुर ने फिर उन्हें उत्तर दिया। उत्तर देते हुए ठाकुर ने कहा कि इनको समझ में तो आया नहीं, अब बात समझाई कैसे जाए। अब रामकृष्ण परमहंस ने सोचा कि इनको वास्तविकता कैसे दी जाए, कैसे समझाया जाए इन्हें। तो कुछ सोचने के बाद रामकृष्ण परमहंस ठाकुर ने कुछ देर तक सोचा और सोचने के बाद उन लोगों से कहा कि देखो, ईश्वर ना तो साकार है और ना ही निराकार है, वो दोनों ही नहीं है, ना साकार है और ना निराकार है। अब वो जो है वहां से उठे कि चलो भाई, साकार भी है नहीं है, निराकार भी नहीं है, वहां से चले, फिर आपस में बैठे, फिर विचार करने लगे कि ये क्या बात हुई। पहले तो उन्होंने कहा कि साकार भी है निराकार भी है, अब वो कह रहे हैं कि ना तो साकार है और ना ही निराकार है, दोनों ही नहीं है वो। अब जब दोनों ही नहीं है वो, तो फिर अब क्या करें, इस बात तो समझ में आई नहीं, फिर भी संशय तो संशय ही बना रहा, कंफ्यूजन
स्टेट में माइंड जो है पूरा कंफ्यूज है कि अब क्या समझा जाए, इसे क्या माना जाए, ईश्वर को साकार निराकार दोनों नहीं तो फिर क्या है। फिर अपनी समस्या को लेकर ठाकुर के सामने जाकर बैठ गए। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जब उनके सामने बैठे तो ठाकुर ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा कि देखो, ईश्वर साकार है कि निराकार है ये तो मनुष्य की बुद्धि जितनी सोचती है उतनी बोलती है, जितना वो सोच सकती है उतना बोलती है। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा कि ईश्वर है क्या, वो दोनों है और दोनों नहीं भी है, इन दोनों के परे भी है। ये तो मनुष्य की बुद्धि जहां तक जा रही है वहां तक वो साकार निराकार तरह तरह की बातें कर रहा है। इसलिए शब्दों से नहीं, कुछ चीजों को शब्दों से नहीं समझा जा सकता। हम कहें कि भाई अगर मान लीजिए कि मैंने मिठाई खा ली, रसगुल्ला खा लिया, किसी ने भी खा ली और वो आपको बताया कि बड़ा स्वादिष्ट था, तो उसके स्वादिष्ट कहने से आपके मुंह में स्वाद नहीं आ जाएगा। हाँ, आपके अंदर जिज्ञासा आ जाएगी, आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी आ जाएगी, एक प्रेरणा आपको मिल जाएगी कि चलो मैं भी खा लूं, बस ये हो सकता है विचारों से। अन्यथा वो साकार है कि निराकार है ये शब्दों से मात्र नहीं समझा जा सकता। इसलिए ईश्वर क्या है, कुछ लोग साकार कह देते हैं कि वो मात्र साकार है, हम तो सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, हम सगुण ब्रह्म की भक्ति करते हैं, ईश्वर सगुण है साकार है। कुछ इस बात पर अड़े हुए कि नहीं, निर्गुण है निराकार है, निर्गुण है निराकार है। तो प्रश्न उठता है कि निर्गुण निराकार किस आधार पर कहा जा रहा है। हाँ ठीक है, शास्त्रों में ऐसे श्लोक ऐसी वाणियां आती हैं जहां पर ईश्वर को निर्गुण निरंजन निराकार शब्दों से उपमा दी गई है, लेकिन वो भी शब्द ही है। तो प्रश्न उठता है कि ईश्वर निराकार है तो चलो सगुण की जब हम बात करते हैं, साकार की बात कहते हैं, तो कोई भी वस्तु जो कि फॉर्म में है उसे हम साकार मान लेते हैं। आप कुछ भी चीजों को देखते हैं तो आप उसे साकार मान लेते हैं कि भाई ये एक फॉर्म में है, एक एक इसकी इस एक परिधि है किसी वस्तु की, कोई सीमा है उसकी और वो उस सीमा के अंदर है, एक विशेष समय में, एक पर्टिकुलर टाइम में वो एक फॉर्म में है, तो वो साकार वस्तु है, उसे हम साकार कह देंगे। लेकिन जिसका कोई आकार नहीं है तो फिर वो निराकार हो गया। जब साकार निराकार की चर्चा हम छेड़ते हैं, कई विद्वानों से इस विषय में चर्चा पहले होती रही, कई बाद में भी मिले कई लोगों से कि हाँ भाई ईश्वर कैसे साकार निराकार, तो उन्हें कई तरह के उत्तर उनको सुनने को मिलता है कि भाई जैसे कि भोजन जो है साकार है, भूख जो है वो निराकार है, तो भोजन खाते हैं तो भूख मिट जाती है, तो ये जो बातें हुई ये साकार निराकार की बात तो हुई, वैसे ईश्वर भी निराकार है फिर साकार हो जाता है, साकार से निराकार वो दोनों ही है, कुछ लोग दोनों ही मान लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि रामकृष्ण परमहंस ने ये कहा कि वो दोनों ही नहीं है, ना तो साकार है ना तो निराकार है, ये भी कह दिया। एक समय पर उन्होंने ये भी कह दिया कि दोनों ही है, लेकिन ये नहीं कहा कि मात्र साकार है या मात्र निराकार है। इसलिए ये बहुत ही थोड़ा सा समझने वाली बात है कि हम साकार तो चलो आपने किसी निश्चित वस्तु को, आपने ठोस वस्तु है आपने उसे साकार कह दिया, लेकिन निराकार आप किसे कहेंगे, आप किसे निराकार कहेंगे, निराकार क्या है, निर्गुण क्या है, क्या इस संसार में कुछ ऐसा भी है जो निराकार और निर्गुण है, तो ऐसा क्या है जो निराकार है और निर्गुण है। भगवान निराकार है, ईश्वर निराकार है, निर्गुण है, उसे निराकार निर्गुण से संबोधन दिया जा रहा है, तो किस आधार पर क्या है। अब कुछ लोग जो कहते हैं कि नहीं मैं तो भगवान को निराकार मानता हूं, मैं तो ईश्वर को निराकार मानता हूं, मैं तो ईश्वर को निर्गुण मानता हूं, तो किस आधार पर भाई, क्योंकि निराकार का तो कोई अस्तित्व नहीं होता इस संसार में, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप निराकार कह सके, कुछ भी नहीं है, आप किसको निराकार कहेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जैसे कि हमें सुगंधी आती है, हमने फूल लिया सुगंधी आई तो वो जो सुगंधी है वो निराकार है, लोगों ने कह दिया कि वो सुगंधी जो है वो निराकार है, तो फिर वो निराकार कैसे है, प्रश्न ये उठता है।
हमारे अंदर जो एहसास है खुशी का, दुख का जो एहसास है, ये निराकार है। कुछ लोग ये भी कह देते हैं, वैसे ईश्वर भी निराकार है, ईश्वर भी एक फीलिंग है, ईश्वर भी एक एहसास है, इस तरह की बातें लोग कह देते हैं। लेकिन आप पहले साकार को समझिए कि साकार क्या होता है। साकार जब भी किसी वस्तु विशेष की सीमा निर्धारित हो, सीमा निर्धारित हो एक निश्चित समय में, ध्यान रखिएगा, एक निश्चित काल में, एक निश्चित समय में जब सीमा निर्धारित हो तो वो वस्तु साकार है। तो संसार में निराकार कुछ होता ही नहीं है, कोई वस्तु चीज निराकार नहीं। आप किसी को भी निराकार आप कहेंगे कि ये रोशनी आ रही है ये निराकार है, नहीं ये भी निराकार नहीं। आप सुन रहे हैं, आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, एक साउंड है, क्या ये साउंड निराकार है? ये साउंड भी निराकार नहीं है, ये एक वेव के फॉर्म में है। अब एक संस्था या कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई ये धरती ये आकाश बीच में निराकार, मतलब आकाश को भी तो आपने स्थूल बना दिया। चलो आकाश भी जो है साकार ही है, उसको भी निराकार नहीं कह सकते हैं। हाँ फॉर्म में तो है ना, एक वेव फॉर्म में है, प्रकाश की किरणें हैं एक वेव फॉर्म में, उनकी सीमा है। आप प्रकाश को कहां तक देख सकते हैं ये हमारी आंखों की एक क्षमता है उसके अनुसार, लेकिन उसकी भी अपनी एक सीमा है, एक सीमा में निश्चित होता है, उसकी एक परिधि है, वो निश्चित होता है। और जिसकी सीमा बन रही हो वो निराकार कैसे हो सकता है, वो तो साकार ही होगा। मैं ध्वनि है, आपकी ध्वनि है, कहां तक लोग सुन सकते हैं इसको, उसकी एक सीमा है, इसकी सीमा को घटाया बढ़ाया जा सकता है। आप साउंड सिस्टम लगा दीजिए, एम्पलीफायर लगा दीजिए, उसकी सीमा बढ़ जाएगी, एम्पलीफाई हो जाएगा। तो जिसको घटाया बढ़ाया जा सकता है और वो एक फॉर्म में है ना, वेव फॉर्म में है, उसका एम्पलीट्यूड है, एटीट्यूड है, तो ये सब सारी चीजें उसकी बनी हुई है, तो एक उसकी फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है उसकी। तो ये जो चीजें चल रही हैं, जब आप उसे गिन रहे हैं, आप उसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो जो भी वस्तु जिसे आप गिन सकते हैं, जिसका कैलकुलेशन पॉसिबल है, आप उसको निराकार कैसे कह देंगे? चाहे वो आपका एहसास हो, चाहे वो सुख दुख हो, चाहे वो एनर्जी हो। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, गॉड एक एनर्जी है, ऊर्जा है, ऊर्जा है, ईश्वर एक ऊर्जा है, और वो ऊर्जा, ऊर्जा को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी वस्तु में कितनी ऊर्जा है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितना है, आप उसके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं उसका। तो आप उसे ऊर्जा भी कैसे कहेंगे, क्योंकि उसका तो उसकी तो गिनती हो रही है, वो तो फिर कैसे, जिसकी गिनती हो रही है, जिसकी सीमा निर्धारित है, उसको आप निराकार शब्द से संबोधित नहीं कर सकते। इसलिए हमारी फीलिंग्स भी, हमारी जो भावनाएं हैं, हमारे जो विचार हैं, क्या विचार निराकार होते हैं? नहीं, विचार निराकार नहीं होते। क्या भावनाएं निराकार होती है? भावनाएं भी निराकार नहीं होती। किसी को किसी से प्रेम है तो वो प्रेम भी निराकार नहीं है, उसकी भी एक सीमा है, उसकी भी एक सीमा है, ज्यादा है कम है, मोह ज्यादा है मोह कम है, लगाव ज्यादा है लगाव कम है, मित्रता घनिष्ठ मित्रता या हल्की फुल्की मित्रता है। भाई हमने कहा ना, मित्र है मेरा रोज आने वाला एक दोस्त, एक कभी कभी आने वाला, मित्र तो दोनों ही है ना, लेकिन किसी से ज्यादा मित्रता है, किसी से कम मित्रता है। जहां पर ज्यादा और कम का भाव आ जाए वो वस्तु कभी निराकार नहीं हो सकती। इसलिए भावना, जो भाव शक्ति है, जो भाव तरंगे, जो फीलिंग्स है, विचारों से फीलिंग्स आती हैं। अगर हमें कोई गाली दे दे, हमें कोई अपशब्द कह दे, तो हमारे अंदर एक नकारात्मक फीलिंग आई है, जो फीलिंग है ये भी निराकार नहीं है, इसको भी आप निराकार नहीं कर सकते, क्योंकि एक फॉर्म में लिए। और कई फीलिंग्स, आप अगर साइंस को पढ़ें, बायोलॉजी को पढ़ें, तो कई फीलिंग्स जो है लव हार्मोन्स होते हैं, अनंडामाइड एक हार्मोन होता है, जब वो सीक्रेट होता है तो हमें आनंद की अनुभूति होती है, उल्लास की अनुभूति होती है, एक हार्मोन। इन हार्मोन्स के नेम आप पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, एक हार्मोन से तो फिर ये आनंद की अनुभूति होना, अगर वो हार्मोन ही ना सीक्रेट हो तो फिर तो क्या अनुभूति नहीं होगी, जीव उसका अनुभव नहीं करेगा, स्थूल जगत में तो नहीं करने वाले इस शरीर के माध्यम से। तो इसलिए जो निराकार क्या है, साकार क्या है, ना तो विचारों के तरंग, विचार तरंगे निराकार है, ना भाव तरंगे निराकार है, और ये संपूर्ण जगत भाव जगत है, ये भावनाओं का जगत है, चारों तरफ भावनाओं का प्रसार है, सारे रिश्ते भावनाओं से भरे हुए हैं, चाहे वो भावनाएं नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो,
वो भयभीत करने वाले हो, या फिर हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न करते हो, या हमारे अंदर मोह उत्पन्न करते हो, या हमारे अंदर कामनाएं उत्पन्न करते हो, ये पंचभाव ही तो है, लोभ मोह काम क्रोध अहंकार पंचभाव है। पंच वृत्तियां होती हैं, पांच प्रकार के विचार होते हैं जो वृत्तियां हमारे मन में चलती रहती हैं 24 घंटे। पतंजलि योग सूत्र के अंदर उसका वर्णन मिलता है, प्रमाण विप्रय विकल्प निद्रा स्मृति, ये पांच वृत्तियां होती हैं। तो ये जो सब कुछ है, ये क्या इसी इस भाव जगत को, हमारे मन में जो भावनाएं उठी, किसी को भगवान से बहुत प्रेम है, तो क्या वो प्रेम निराकार है? ना तो प्रेम निराकार है, ना भावनाएं निराकार है, जो कुछ भी है वो सब इस साकार जगत के अंदर है। तो जब हम ये कह देते हैं कि हम भगवान को निराकार मानते हैं और निराकार की उपासना करते हैं, तो ये जो निराकार शब्द है वो भी साकार है, ये जो निराकार शब्द है वो भी साकार है, और ये जो निराकार की मान्यता है, ये मान्यता भी साकार है, ये कॉन्सेप्ट भी साकार है, वो समझ भी साकार है। किसी चीज को आप कितना समझते हैं, कितना नहीं समझते हैं, आप समझते हैं कि सूर्योदय पूर्व से होता है और सूर्यास्त पश्चिम में हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा समझ को और बढ़ाइए तो आप क्या समझ जाएंगे कि नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं होती, ना तो कभी सूर्योदय होता है ना सूर्यास्त होता है, ये तो पृथ्वी घूमती रहती है, इसलिए सूर्योदय होता हुआ दिखाई देता है, सूर्यास्त होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त नामक कोई घटना नहीं घटती। तो समझ बढ़ गई ना, अब तक समझ इतनी थी, अब तक कॉन्सेप्ट अब तक क्या था कि भाई सूर्योदय होता है पूर्व दिशा में और सूर्यास्त पश्चिम दिशा में हो जाता है, ये कॉन्सेप्ट था। अब कॉन्सेप्ट बदल गया, जो परिवर्तित हो गया समय और काल के अनुसार, वो वस्तु निराकार कैसे हो सकती है? इसलिए निराकार, हम ये कहें कि हम निराकार को मानते हैं और निराकार की उपासना करते हैं, तो वो संभव ही नहीं है निराकार की भक्ति। जहां आपने कह दिया कि हम तो निराकार परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हम अपनी भावनाओं को निराकार भगवान को अर्पित करते हैं, तो जहां आप भावनाएं अर्पित करते हैं वो कभी भी निराकार परमात्मा को अर्पित हो ही नहीं सकती, क्योंकि भावनाएं स्वयं निराकार नहीं है, भावनाएं स्वयं निराकार नहीं है, भावनाएं भी साकार, हाँ सूक्ष्म है, सूक्ष्म और स्थूल होना एक अलग बात है, फिर तो वो आ जाएगा कि भाई विज्ञान में हम मैटर को पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट क्या निराकार है? अगर पानी आप ग्लास में रख दो तो एक समय के लिए, एक काल के लिए उसने परिवर्तन, वो उसने एक आकार ले रखा है, आप उसे बाल्टी में रख दो आकार बदल जाएगा, लोटे में रख दो आकार बदल जाएगा, लेकिन आकार लिया तो जरूर। अब आप कहोगे नहीं उसका कोई निश्चित आकार, तो निश्चित आकार तो हमारे शरीर का भी नहीं है, हम बचपन में कुछ और थे, जवानी में कुछ और हो गया, और बुढ़ापे में कुछ और हो गया, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा शरीर निराकार है? ये भी तो बदल रहा है, लेकिन एक निश्चित समय में एक आकार लिए हुए है तो उसे हम निराकार नहीं कह सकते। तो आप पानी को भी निराकार नहीं कह सकते, हवा भी निराकार नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि हवा जैसे है वैसे निराकार, नहीं, हवा में भी एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, खाली जगह तो कुछ होता नहीं, वैक्यूम तो होता ही नहीं, जब होता ही नहीं है वैक्यूम, और जब उसमें एटम्स हैं, एटम कितना सूक्ष्म होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने सूक्ष्म होते हैं, वो भी साकार जगत में है, वो भी साकार है, साकार सृष्टि है। तो इन सबसे आपकी भावनाएं परे नहीं है, इन सबसे आपके विचार परे नहीं है, आपकी भक्ति भाव जो भी आप कहते हैं कि मैं भगवान को भाव अर्पित करूंगा निराकार भगवान को, एक बंधु मिले उन्होंने कहा कि मैं तो भगवान को निराकार मानता हूं और निराकार भगवान से प्रार्थना करता हूं, तो निराकार भगवान से प्रार्थना नहीं हो सकती क्योंकि प्रार्थना स्वयं साकार है, तो वो निराकार भगवान आपकी प्रार्थना को कभी सुनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब हमने निराकार कह दिया तो वो भाव जगत से परे, भावातीत, भावातीत विचारों से परे, जहां पर कोई विचारों की प्रतिक्रिया नहीं है, वो अव्यक्त, उसे भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अव्यक्त कहा। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वो अव्यक्त, एक अव्यक्त है ब्रह्मा का, जिसमें सूक्ष्म सृष्टि होती है, जिसमें भाव जगत की सृष्टि होती है, जिसमें भूत जगत की सृष्टि होती है, और एक अव्यक्त उससे भी परे मेरा सनातन अव्यक्त है, सनातन अव्यक्त, उसे सनातन अव्यक्त की
संज्ञा दी श्रीमद् भगवद गीता के अंदर कि वो सनातन अव्यक्त है जो सर्वदा अव्यक्त ही रहता है, सर्वदा अव्यक्त रहता है। जहां पर भी हम भावनाओं का प्रसार करते हैं वहां पर भावनाएं होती है, वहां पर कल्पनाएं होती हैं। अगर कोई कहता है कि मैं ईश्वर को निराकार, तो उसकी कल्पना मात्र है, कल्पना मात्र है, क्योंकि और वो जो कल्पना है वो स्वयं साकार है, वो कल्पना स्वयं साकार रूप धारण किए हुए। इसलिए संसार में कोई भी वस्तु निराकार निर्गुण हम उसे नहीं कह सकते। हाँ, कुछ वस्तु अपने आकार को देर से परिवर्तित करते हैं और कुछ वस्तु बहुत जल्दी जल्दी, जैसे वायु हो गया, जल हो गया, बहुत जल्दी से अपने आकार को परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन उनका आकार निश्चित है, उनका आकार है, उसको हम निराकार नहीं कह सकते। हवा को हम निराकार नहीं कह सकते, एटम्स को, मोलिकल्स को, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटोन को हम निराकार थोड़ी ना कह सकते। ये संपूर्ण पृथ्वी एक साकार है, उसके ऊपर वायुमंडल भी साकार रूप में है, ना कि निराकार है। हम एक छोटी जगह पर हैं, इस पृथ्वी के सामने हमारा आकार बहुत ही छोटा है, तो हमारे सामने ये हवा हम इसको निराकार बोल सकते हैं, लेकिन निराकार नामक किसी भी चीज का कोई अस्तित्व नहीं होता है। निराकार कुछ भी नहीं होता, निराकार है ही नहीं, कोई चीज निराकार नहीं, कोई वस्तु निराकार नहीं है, तो नहीं। आप कैसे कहें, ना भूख निराकार है, ना प्रेम निराकार है, ना भाव निराकार है, ना आपकी सोच निराकार है, ना आपकी फीलिंग्स जो एहसास है उसे भी आप निराकार नहीं कह सकते, उसकी भी सीमाएं बद्ध है। तो जब सीमाएं बद्ध हैं, किसी को कम क्रोध आया, किसी को बहुत ज्यादा क्रोध आया, तो जो कम और ज्यादा हो रहा है उसे क्या आप निराकार कह देंगे? फिर तो ये शरीर भी कम और ज्यादा होता है, मोटा हो जाता है, कहीं पतला हो जाता है, बीमारी होगी, पतला हो गया, तो क्या फिर ये शरीर भी निराकार हो गया? नहीं, ये संपूर्ण भाव जगत साकार सृष्टि है, लेकिन परिवर्तनशील है, निश्चित नहीं है, काल के अनुसार। एक निश्चित काल में यह भी निश्चित रहती है, काल बदलता है, यह भी बदल जाती है, समय बदला, परिवर्तन ही तो काल का परिभाषा है। परिवर्तन, हम समय की गणना ही परिवर्तन से करते हैं। तो इसलिए निराकार तो कुछ होता ही नहीं है। अगर निराकार कुछ है तो फिर वो भावातीत है, वो अव्यक्त है, वो सनातन अव्यक्त, जिसे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि एक एक अव्यक्त ब्रह्मा का अव्यक्त है, सूक्ष्म जगत वो है भाव जगत। इसलिए संसार भव सागर है। जब हम भव सागर कहते हैं संसार को, जब हम इसे भव सागर कहते हैं, इसे भाव जगत कहते हैं, तब स्थूल सृष्टि की बात नहीं होती, भाव जगत सूक्ष्म सृष्टि की बात होती है। जब इसे कहा जाता है भूत जगत कहा जाता है, तो भूत जगत मतलब भूत प्रेत नहीं, सूक्ष्म शरीर। इस शरीर के भीतर स्थूल शरीर है, इस स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर है, एस्ट्रल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर है, जिसके कारण सारा अस्तित्व टिका हुआ है, वो अस्मिता है, वो अस्मिता के कारण सारी अस्तित्व, जीव जगत का अस्तित्व टिका हुआ है, जीव का अस्तित्व बना हुआ है। लेकिन जिसे हम निर्गुण निराकार कहते हैं वो अस्तित्व की परिभाषा के परे है। इसलिए रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि ना तो वो निराकार है और ना ही वो साकार है। अपनी बुद्धि से समझ में नहीं आएगी, साधना के मार्ग पर उतरो, फिर निरंतर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि से वो अव्यक्त जगत प्रकट होगा, लेकिन अंतःकरण में प्रकट होगा, वो अपने ही जगत में प्रकट होगा, वो कहीं बाहर प्रकट होने वाला नहीं है। इसलिए अव्यक्त है, उस अव्यक्त को समझना, वो जो सनातन अव्यक्त है। एक तो अव्यक्त, ये सूक्ष्म शरीर भी अव्यक्त है, व्यक्त नहीं होता, हमारी भावनाएं बाहर दिखाई नहीं देती, हमारी सोच बाहर नहीं दिखाई, लेकिन सोचते तो हैं, हमारे मन में फीलिंग्स तो होती है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती, अव्यक्त है। ये ब्रह्मा का अव्यक्त जगत है, ये सृष्टि का अव्यक्त जगत है, सूक्ष्म जगत है, उसे हम सूक्ष्म से स्थूल की सृष्टि होती है, लेकिन जो सूक्ष्म जगत है वो अव्यक्त है। लेकिन उससे भी परे एक अव्यक्त है जो कि सनातन अव्यक्त है, वो सनातन अव्यक्त है, उससे भी परे एक अव्यक्त, जिसे मात्र समाधि के द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है, मात्र धारणा ध्यान समाधि के द्वारा
उसका अनुभव प्राप्त हो सकता है, और जिसको अनुभव भी प्राप्त हो सका, जब वो मुंह से बोलेगा तो साकार शब्दों को बोलेगा, वो साकार में आएगा, अगला जो सुनेगा उसकी कल्पना करेगा, और जो कल्पना होगी वो साकार होगी, वो निराकार नहीं होगी। इसलिए कभी मत बोलो कि हम निराकार को मानते हैं, या क्योंकि निराकार जो निर्गुण, जब आपने उसे निराकार कह दिया, निर्गुण कह दिया, निरंजन कह दिया, मतलब वो आपकी भावनाओं और आपके विचारों के परे की चीज है। आपके विचार वहां नहीं पहुंच सकते, आपकी भावनाएं वहां नहीं पहुंच सकते, भावातीत है, वो भावातीत है। इसलिए कई जगह पर शास्त्रों में, उपनिषदों में ईश्वर को भावातीत कहा जा रहा है, भावनाओं के परे, जहां आपकी भावनाएं नहीं पहुंच सकती। आप कैसे पहुंचेंगे वहां पर, फिर कैसे उसकी उपासना करेंगे? तो प्रश्न ये उठता है कि भाई ब्रह्म तो अव्यक्त है। अब एक प्रश्न यहां बन जाता है, फिर जो सगुण ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, सकल सृष्टि तो साकार है, साकार की उपासना गलत है, निराकार की उपासना, लोग जो कहते हैं ना, पहली बात तो आप ये समझ लें कि ईश्वर को जब आप निराकार कहते हैं तो आप मात्र कल्पना कर रहे हैं, और वो आपकी कल्पना भी साकार है। आप अंधेरे में एक तीर मार रहे हैं बस। कुछ लोग कहते हैं कि ऊपर भगवान ऊपर वाला है, ऊपर वाला, ऊपर की कोई दिशा ही नहीं होती, पृथ्वी तो हमेशा घूम रही है, पृथ्वी तो हमेशा घूम रही है, तो ऊपर की तो कोई दिशा ही नहीं होती है, कहां दिखाओगे? शाम को ऊपर कुछ और हो जाएगा, सुबह का ऊपर कुछ और हो जाएगा, दोपहर का ऊपर कुछ और हो जाएगा, बदल जाएगा, जगह बदलोगे ऊपर भी बदल जाएगा, यहां से 5 किलोमीटर कहीं और चले जाइए तो वहां उंगली उठाएंगे, ऊपर तो कुछ और हो गया, ऊपर की दिशा ही नहीं होती कुछ। तो इसलिए ईश्वर निराकार साकार और वो उसका अव्यक्त रूप, प्रश्न उठता है कि निराकार की उपासना करें क्या साकार की उपासना करें? गलत नहीं लिखा, अगर निराकार निरंजन निर्गुण लिखा गया है, गलत तो नहीं लिखा, लेकिन वो बात की जा रही है भावातीत अवस्था की, अव्यक्त अवस्था की। अव्यक्त अवस्था जो भावनाओं से व्यक्त नहीं हो सकता है, मात्र ध्यान समाधि के द्वारा ही उस अव्यक्त को प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान से उसकी, जब ध्यान सिद्ध होगा योगी, तो उसकी अनुभूतियां होंगी, और जब समाधि प्राप्त होगी, निर्बीज समाधि को प्राप्त होगा, तो उस अव्यक्त में लीन होता है वो जीव, कैवल्य को प्राप्त हो जाता है, कुछ नहीं रहता, ना कोई भाव स्थिर रहता है और ना ही कोई विचार, विचारातीत भावातीत अवस्था को प्राप्त होता है, जहां कोई थॉट्स नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, फीलिंगलेस, कोई भाव नहीं, ना उसे व्यक्त कर सकता है। इसलिए अव्यक्त है, सनातन अव्यक्त। अव्यक्त के परे भी एक अव्यक्त है, उसे अव्यक्त शब्द से संबोधित किया। इसलिए जो कुछ है साकार में है। आप जितने भी भावनाओं का प्रसार करते हैं, प्रेम का प्रसार करते हैं, वो सब कुछ साकार में करते हैं, निराकार में नहीं कर सकते। कोई ये कहे कि मुझे तो, मैं तो निराकार परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, प्रार्थना करते करते मैं रोने लग जाता हूं, तो सब वो निराकार तक तो पहुंचता ही नहीं, क्योंकि निराकार तक पहुंचने का वो तरीका नहीं है, रास्ता नहीं है। आप जो भी भावनाओं का प्रसार करते हैं वो साकार के लिए करते हैं, ना कि निराकार के लिए करते हैं। हाँ, जब आप ध्यान की अवस्था में उतरेंगे, ध्यान को साधेंगे, धारणा ध्यान समाधि इस ओर आगे बढ़ेंगे, तो आप निराकार की ओर बढ़े, आप अव्यक्त की ओर आगे बढ़ेंगे, आप भावातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे, विचारातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे, तर्कातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे, तर्कों से परे, विचारों से परे, भावनाओं से परे, सारी भावनाएं शून्य हो जाएंगी। कोई कहते ना कि भाव के भूखे प्रभु, लेकिन समाधि की अवस्था में भावनाएं शून्य, अव्यक्त भाव में चला जाता है ये। इसलिए आवश्यकता है, निराकार नामक कुछ नहीं होता, चीज नहीं होती। अब हम विचार करेंगे कि भाई साकार की भक्ति फिर क्या है, साकार की उपासना क्या, निराकार की उपासना हो या साकार की उपासना?